हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर और माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर आयुष मैथ में अपने आप को इंजीनियर आयुष मैथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत कंसेप्चुअल और बहुत सिंपल टॉपिक है। हम आज पढ़ेंगे द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनको आप हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का जो सम है, दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ऐसे कोई भी दो एंगल जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि मैं इसमें बोलूँ थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आप अल्फा को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, और आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और एक आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल जिन दो एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, मतलब ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने वाले हैं कि उन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा। ओके, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाफ, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है सर, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्या पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो इन सब के आगे मैं लगा देता हूँ 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये छः फॉर्मूले हैं, या आप बोल सकते हैं तीन फॉर्मूले हैं ओनली, ये तीन ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन। टेन 90 माइनस थीटा कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हुआ, सेक थीटा हुआ। ये छह फॉर्मूले हैं इनके, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, तो हम आते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसको हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे, इनका फॉर्मूला, इसका यूज़ कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, टेन 49 डिग्री अपॉन कॉट 41 डिग्री फाइंड, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चंस में जब भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे, तो किसी भी एक की वैल्यू आप चेंज करो, या तो न्यूमिरेटर में चेंज करिए या फिर डिनोमिनेटर में चेंज करिए। आप अगर दोनों को चेंज कर देंगे, कंसेप्ट है ये इसका, आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज ओनली वन टर्म। इफ़ यू
चेंज न्यूमिरेटर देन द डिनोमिनेटर इज सेम, इफ़ यू चेंज द डिनोमिनेटर देन द न्यूमिरेटर इज सेम। आपको एक चीज़ चेंज करनी है, एक को क्या है बिल्कुल सिमिलरली रखना है जैसा पहले था वैसा की वैसा। तो अब मुझे आप बताइए, मुझे 49 डिग्री लाना है तो मैं 90 में से कितना माइनस करूँ कि 49 डिग्री आ जाए। 90 में से कितना माइनस करूँगा, 90 में से माइनस करूँगा सर 41। 49 चाहिए मुझे तो मैं क्या करूँगा, 90 में से क्या माइनस करूँगा, 41 डिग्री माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो भी एंगल आपको लाना हो उसको आप देखिए 90 में से कितना माइनस करें। तो 90 में से 41 माइनस करने पर क्या आएगा, 49 आएगा। तो मैं इस 49 की जगह पे क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 41 ऊपर 10। 49 की जगह क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 41 अपॉन नीचे क्या है, कॉट 41 है। अब हमने पढ़ा था टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ पर ये क्या का काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 41। और नीचे भी क्या है, कॉट 41 है, कॉट से कॉट कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई सर, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एक नंबर में इसकी 7.2 जो आपकी एक्सरसाइज है, इस वाली कंसेप्ट पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इस पे एक नंबर का क्वेश्चन जो है हर साल आना आपका फिक्स है, बिल्कुल आता ही आता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है क्या होगी। मैंने कहा था दो हैं, अगर उनमें से कोई भी आप एक को चेंज करिए, एक को सेम रखे रहने दीजिए, तो मैं क्या करूं बताइए, 50 को या 40 को, कोई सा भी जो आपके मन में आए। अगर मुझे 50 लाना है तो 90 में से कितना माइनस करूंगा, 90 में से कितना माइनस करूंगा सर, 40 माइनस करेंगे। 90 में से कितना माइनस करेंगे, 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 50 डिग्री। तो मैं इस 50 की जगह पर क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 40। 50 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 प्लस पीछे वाला क्या रखना है, आपको सेम रखना है, केवल एक टर्म में चेंज करना है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस, और थीटा क्या है यहाँ पर, 40 प्लस साइन 40। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। आप यूँ ना समझे कि सर आपने साइन स्क्वायर 40 की वैल्यू तो हमें बताई नहीं है, साइन 0 की हमने पढ़ ली थी, 30 की पढ़ ली थी, 45 की पढ़ ली थी, 60 की पढ़ ली थी हमने, 90 की पढ़ ली थी। ये ना सोचें आप सर साइन 40 और इसकी वैल्यू तो होती नहीं है। आप फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। मतलब कि यहाँ पर एंगल सेम होने चाहिए तो वैल्यू क्या होगी, 1। अगर यहाँ पे एंगल डिफरेंट होते 40 और 50 होता तो वैल्यू 1 नहीं होती। फिर हम उसको क्या करते, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखा जाए, देखिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि 10 59 माइनस कॉट 51 39 ले लेते हैं, कॉट 51 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेन 39 माइनस कॉट 51 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा था दो टर्म हो तो उसमें से किसी भी एक टर्म को आप चेंज करिए। आगे वाली को चेंज कर लेता हूँ, 39 जो है वो 90 में से कितना माइनस करने पे आएगा, 51 माइनस करने पे आएगा। कितना माइनस करने पर, 51 माइनस करने पर 39 आएगा। तो इस 39 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 51। पीछे 51 है ये, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये रहा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है, 51 है, माइनस कॉट 51, इससे ये माइनस हो के वैल्यू क्या आ गई, इसकी 0 वैल्यू आ गई। आई बात समझ में। इतने सिंपल क्वेश्चन हैं। और देखिए, और हम देखते हैं इसके साथ में, जैसे कि मैं ले लेता हूँ sec 50 इंटू साइन 40 प्लस cos 40 इंटू cosec 50, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। sec 50 इंटू साइन 40 प्लस cos 40 इंटू cosec
50, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए हम क्या करें, मैंने कहा था इसमें से आप एक वैल्यू चेंज करिए, बाकी वैल्यू उसको सेम रहने दीजिए आप, ठीक है। एक वैल्यू आपको चेंज करनी है, बताइए कौन सी वैल्यू चेंज करें हम, बताइए कौन सी वैल्यू चेंज करें। सेक वाली चेंज, जैसे कि दो वैल्यू हैं, इन दोनों में से कोई एक चेंज करनी है, इन दोनों में से कोई एक चेंज करनी है, दो हैं ये, इनमें से कोई एक चेंज, इन दोनों में से कोई सी भी एक आप चेंज कर सकते हैं। बताइए कौन सी चेंज करें, 50 की जगह देख लेते हैं, 50 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना माइनस करने पर 50 आएगा, 40 माइनस करने पर 50 आएगा, तो वो यहाँ पे हम लगाएंगे sec 90 माइनस 40 इंटू साइन 40 प्लस यहाँ पर cos 40 है, इस 50 की जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 40। यहाँ पे 50 था और यहाँ पे 50 था, दोनों जगह हमने सेम कर दिया। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू 40 है इंटू साइन 40, ये ऑलरेडी cos 40 है, इंटू cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec 40। cosec होता है 1 अपॉन साइन इंटू साइन, कॉस तो कॉस आएगा, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो 1 बचा प्लस 1 बचा, वैल्यू क्या आई इसकी 2 वैल्यू आई। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आप करना चाहें जिस भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाएंगे। ओके नोटेड डाउन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, देन हमें काय की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा था अगर दो टर्म हो उनमें से एक को अपन को चेंज करना है, आप जौन सी वैल्यू चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे थे, यहाँ पर भी अपन वही चीज़ सेम टू सेम चेंज करना है हमें, जैसे कि हाँ मैं 2a की जगह क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, 2a की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, मतलब कि मुझे अगर कुल मिला के कहना ये है, मुझे अगर tan लाना है, मुझे क्या लाना है, tan लाना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, cot 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। अगर मेरे पास मुझे tan चाहिए तो tan लाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है अभी 2a है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा, मतलब कि cot 90 माइनस 2a। चेक कर लीजिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, या फिर मैं लिख सकता हूँ tan की जगह पे cot 90 माइनस थीटा, तो मैंने tan की जगह लिख दिया cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी cot a माइनस 18 है, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। मैंने आपसे कहा था ये बोलने के लिए हम बोल सकते हैं cot से cot कैंसिल हुआ, पर ये कैंसिल नहीं होते, ये क्या हो जाते हैं इनवर्स होके उसकी वैल्यू वही आ जाती है, ये आप 11th में पढ़ेंगे। मैं ए 2a को उधर ले आता हूँ, 18 को इधर ले आता हूँ, तो 18 यहाँ पर आकर प्लस का होगा, और ये 2a वहाँ पर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, इन दोनों को ऐड करने पर 108, a और 2a कितने हो जाएंगे 3a हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3a हो जाएंगे, और 3 का अपन इसमें डिवाइड दे देंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 डिवाइड बाई 3, तो 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 36 डिग्री, ये हमारी काय की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कोसेक 70, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये साइन नहीं आएगा, इस जगह पर आएगा सेक 70, तो हम क्या करेंगे, इन दो में से कोई एक वैल्यू और इन दो में से कोई एक वैल्यू हमें क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। तो मैं 70 डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूँ, 70 90 में से कितना माइनस करने पर आएगा, 20 माइनस करने पर आएगा, तो sec 70 जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 20 इंटू साइन 20, ऐसे ही यहाँ पर cosec 70 की जगह लिख दूंगा 90 माइनस 20। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा इंटू साइन 20
और ये आ गया कॉस 20 कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है सेक थीटा, तो सेक 20। कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, ये भी साइन है। कॉस क्या होता है कॉस तो कॉस ही है कॉस 20, और सेक क्या होगा 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल साइन से साइन कैंसिल 1-1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ओके नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 81 प्लस साइन 71 इन एंगल्स को हमें 0 और 45 के बीच में लाना है, मतलब इनको सॉल्व ऐसे करना है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से 45 के बीच में आ जाए थीटा की वैल्यू। तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ 90 में से कितना माइनस करें इसे, 90 में से 9 माइनस करने पर 81 आएगा, और 71 कितना माइनस करने पर आएगा 90 में से 19 माइनस करने पर क्या आएगा 71 आएगा। तो इनकी वैल्यूज़ मैं फुट कर दूंगा, साइन 81 की वैल्यू 90-9 और ऐसी 17 की वैल्यू 71 की 19-19। आप बोलेंगे सर आपने कहा था दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का कंसेप्ट देखिए, उसने कहा है कि दोनों एंगल्स को 0 और 45 के बीच में लाना है, तो ये दोनों 45 से बड़े थे, 81 भी 45 से बड़ा था 71 भी 45 से बड़ा था, इसलिए हमने क्या करा दोनों को ही चेंज कर दिया। और ये साइन 90-थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90-थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। नोट इट डाउन, आ गया दोनों की दोनों किस में आ गए हमारे एक्यूट एंगल, मतलब कि 45 से छोटे और 0 से बड़े हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 5 × 10 25 10 30 × 10 30 10 65 × 10 85। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें कहा था कि इसमें से कोई एक वैल्यू चेंज करनी है। देखिए 10 5 मतलब कि आप ऐसे दो एंगल्स देखिए जिनका सम क्या आ रहा हो 90 आ रहा हो, 5 में 25 प्लस करने पे 90 आएगा क्या, नहीं आएगा, 5 में 30 नहीं आएगा, 5 में 65 नहीं आएगा, 5 में 85 प्लस करने पर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो या तो आप 10 5 को चेंज कीजिए या 10 85। ऐसे 25 में कितना प्लस करेंगे 90 आए, तो या तो आप 25 में 30 प्लस करने पे नहीं आएगा, 25 में 65 प्लस करने पे 90 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 5 को चेंज कर देंगे, 90 में से कितना माइनस करने पर आएगा 5 85, और एक 25 को चेंज कर देंगे 90 में से कितना माइनस करने पर आएगा 65 माइनस करने पर आएगा। ठीक है तो 5 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 90-85, 25 की जगह क्या लिख सकता हूँ 10 90-65, 10 30 10 30 वैसे इसमें एक ही बार आना चाहिए 10 30, ये सेम रहेंगे 10 65 और 10 85। 10 90-थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा 10 90-थीटा क्या होता है कॉट थीटा इंटू 10 30 इंटू 10 65 इंटू 10 85। कॉट क्या होता है 1/10, कॉट क्या होता है 1/10 इंटू 10 30 10 65 और 10 85। 10 85 से 85 कैंसिल, 10 65 से 65 कैंसिल, 10 30 बचा, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है ना, यहाँ पर जो 10 था वो एक ही बार था, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, आप इसको सही कर लें। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक 5 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो 5 थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल है, तो हमें थीटा की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो मैंने कहा था दोनों में से कोई भी एक को चेंज कीजिए। इस क्वेश्चन में सेक कब आता है, सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा कहाँ है देखिए, ये रहा, सेक थीटा कब आता है जब कोसेक 90 माइनस थीटा करते हैं, तो वही हमें करना है। सेक की जगह हम कर सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है 5 थीटा है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं वैसे नो प्रॉब्लम। तो कोसेक 30-36 डिग्री, थीटा माइनस 36 डिग्री, यही बात समझ में, सेक थीटा कैसे आया कोसेक 90 माइनस थीटा करने पर, तो कोसेक 90 माइनस थीटा करने पर क्या आया सेक थीटा।
कुसेक से कुसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 90 - 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36 डिग्री। 5 थीटा को मैं उधर ले जा रहा हूँ और 36 को मैं इधर ला रहा हूँ, तो 36 तो प्लस का हो जाएगा और 5 थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोनों प्लस करने पर 126, इन दोनों को प्लस करने पर 6 थीटा। 6 का जब आप इसमें डिवाइड दोगे 126 में, तो 6 2 12 और 6 1 6, तो थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 21 डिग्री। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ए बी सी कोई ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, देन प्रूव दैट टेन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन टू। सबसे पहली बात उसने हमसे क्या कह दी, उसने कह दी कि ए बी सी क्या है, तीनों एक इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, इज 180 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए बी और सी तीनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर मुझे बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रूफ में बी प्लस सी है, तो ए को मैं उधर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। इक्वेशन नंबर 1 आई बात समझ में। यहाँ से मैंने बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करी तो 180 माइनस ए हुआ। अब मुझे क्या प्रूव करना है, टेन बी प्लस सी अपॉन टू, यहाँ पर मैंने लिया टेकिंग LHS, LHS लेने पर LHS हमारा टेन बी प्लस सी अपॉन टू है। बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई इक्वेशन 1 मैं बी प्लस सी की जगह लिख सकता हूँ 180 माइनस ए, 180 माइनस ए अपॉन टू है ही नीचे, 2 जो है हमारा वो दोनों के नीचे है, 180 के नीचे भी 2 है और ए के नीचे भी 2 है। 2 का डिवाइड 180 में कितनी बार जाएगा, 10 90 माइनस ए अपॉन टू। ए अपॉन टू हमारे लिए क्या काम कर रहा है, पूरा थीटा का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ए अपॉन टू पूरा थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यही हमारा क्या था, RHS था, हैंस प्रूफ। नोट इट डाउन। तो इस तरह से ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, इनके के जो कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आप इनकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब दबा के शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में आप अपना टाइम स्पेंड करें। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।